ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि सब मम मिटे तो पद में मम मान चरण शरण है आपके तारण तरण जहाँ नदी तट लग ले चलो करुणा कर जिनराज। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, ज्योतिर्मय तपह प्रकाश के युग के आदि महामुनि आत्मा की गहराइयों में उतर गए हैं। वे अपने जान के चिराग को तपस्या से दीप्तित कर रहे हैं। उन्हें ज्ञान भी ना था मेरे साथ भरत पुत्र मरीचि आदि 40 मान्य पुरुष दीक्षित हो गए हैं। प्रशंसनीय संयम और तब तो वही है जो वस्तुतः विकल्पातीत हो, चित्त विभ्रम विहीन हो और हो जन संपर्क रहित विदित रहे। नियम और तप ये दो पृथक पृथक शब्द नहीं है। जो मनुष्य शक्त्यानुसार नियम से युक्त है वह तपस्वी कहलाता है। तप भी वही श्रेष्ठ है जिसके अनुष्ठान से मन दुष्कर्म के प्रति प्रवृत्त न हो, जिसके अच्छे आचरण से अभ्यंतर प्रायश्चित आदि तपों में श्रद्धान होता हो और जिसके आचरण से धारण किए गए व्रतों का नाश नहीं होता हो। ध्यान रखें, तप का बल बलों का बल है। आज तप के नाम से साधारण प्राणी भी डरता है और जो तपस्वी कहलाते हैं वो भी अपनी शक्ति को उद्घाटित करने से कतराते हैं। कहते हैं इस युग में तरुण अवस्था में संयम को धारण करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ अपने आप को पीछे ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपनी साधना को तपहपूत तीर्थंकरों की तरह आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। कौन नहीं जानता प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षित होने के बाद 6 महीने का महाउपवास करते हैं। शरीर अत्यधिक दीप्तिमान था, 6 माह का उपवास पूर्ण कर आश्विन कृष्णा दशमी को प्रथम आहार हेतु नगर में चांद्री चर्या की। लोगों की अनभिज्ञता लाभांतराय कर्म के उदय ने उन्हें आहार लाभ से वंचित रखा, लेकिन प्रभु हर्ष विषाद से रीते वन में लौट पड़ते। दूसरे दिन वही सिस्टम निकलते, लेकिन लाभांतराय कर्म के कारण उदय के कारण लाभ नहीं होता,
यह एक दिन दो दिन तीन दिन 398 दिन तक लगातार चलता रहा। 6 महीने का उपवास और 6 महीने कुछ दिन और अंतराय के चलते रहे। महानुभाव कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जो इंद्र गर्भ से 6 माह पूर्व से ही तीर्थंकरों के चरणों में किन्नर की भांति सेवा में तत्पर रहता है, क्या वह इंद्र अवधि ज्ञान लगाकर प्रभु को आहार उपलब्ध नहीं करा सकता था? लेकिन कर्मों की गति बड़ी विचित्र रही। कुरु जंगल के युवराज श्रेयांश को स्वप्न पड़ा था कि सुमेरु के समान स्नपित सुमेरु सदृश किसी महापुरुष का मेरे नगर मेरे द्वार पर आगमन हो रहा है। प्रभात में श्रेयांश अपने महल की छत पर टहल रहे थे। दूर से आते हुए ऋषभनाथ मुनिराज को देखते हैं, त्वरित छत से उतर आते हैं और देखते ही देखते कुमार को जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, मैंने श्रीमती के जीभ में सागर सेन और दमधर दो चारण दिद हरि मुनियों को आहार दिया था और वह सारा संदर्भ उनके मनस पटल पर उतर आता है। युवराज श्रेयांश नमोस्तु नमोस्तु करने लग जाते हैं। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए। और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है आदि बोलते हुए नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें निर्दोष इच्छु रस प्रदान करते हैं। आज अक्षय तृतीया है और यह दिन हमेशा के लिए अक्षय होगा। मैं प्रायः कहता हूं जिन्होंने महामुनियों को आहार दान दिया है उन व्यक्तियों को तीर्थंकर के लिए आहार दान देने का सौभाग्य मिलता है। जिन्होंने साक्षात अपने हाथों से मुनियों को आहार दान दिया है उनके लिए तीर्थंकरों को आहार दान देने का क्या सुना? अभी भी उबासी लेते रहोगे क्या? वह सबसे निकम्मा इंसान है जो मुनि राज के होते हुए आहार दान देने में घबराता है। बुखार आएगा तो भी खाना खाएगा, पैरालिसिस होगा तो भी खाना खाएगा, किडनी खराब होगी तो भी खाना खाएगा, हार्ट बिगड़ेगा तो भी खाना खाएगा। लेकिन जब मुनिराज आपके नगर में होते हैं तब आप अपने को कमजोर महसूस करते हैं, इसलिए कभी आपको साक्षात जैसे श्रेयांश के लिए तीर्थंकर को आहार दान देने का मौका मिला वो मौका आपके नसीब में नहीं हो सकता है। क्या कारण है? आपके पास समय नहीं है, है ना? मील के पत्थर की तरह आप सब डटे हुए बैठे हैं। देखो मैं बहुत ही करुणा भाव से कहता हूं आपको, हमें आपके आहार की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको अपने कल्याण की जरूरत है। तो पंच महाव्रत धारण करने वाले मुनियों के लिए 10 काम छोड़ करके आहार दान करना श्रीमती के जीव को जब श्रेयांश हुआ कितने भाव के बाद, क्या भरत चक्रवर्ती के लिए
कोई कमी थी, वैभव की कमी थी? छह खंड का अतुल वैभव है, लेकिन उनके लिए आहार दान करने का मौका नहीं मिला। और आप क्या सोचते हैं कि महिलाएं चौकर लगा लेंगी, चलो अपना ऑफिस संभाल लेते हैं। अनंत काल ऐसे ही भटकते भटकते हुए आपका निकल जाएगा। दिल्ली वाले खासकर इतने कमजोर होते जा रहे हैं, कहते मेरी घरवाली के घुटने देखते हैं तो तेरे तो घुटने अच्छे हैं। कभी घरवाली का कभी घरवाले का नाम लेकर के ये जो भीतर एक चोर बैठा हुआ है, ये आपके लिए पुण्य कार्यों से दूर करता चला जा रहा है। अभी शांति विधान चल रहा है, लेकिन केवल संगीतकार की और ब्रह्मचारिणी जी की आवाज आ रही थी। आप लोग ऐसे जैसे फ्लाइट में बैठे हो, ठंडी हवा खा रहे हैं एसी की, और शांत बैठे थे ना? बैठे तो थे नहीं, तो कम से कम स्वाहा की आवाज तो निकल ही आती है। देखो समय हो गया है, इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन का भी समय हो गया है। कोई 60 साल का है, कोई 65 का है, कोई 66 का है, लेकिन अभी भी जागने का समय आपका नहीं आया है। नए नए उद्योग करने के लिए हर दिन आप तैयार रहते हैं, लेकिन पुण्य अर्जन करने के लिए आप तैयार नहीं हो पाते। ये इतना बड़ा प्रमाण है कि दमधर और सागर सेन को श्रीमती जी ने, जो उनके उसी जन्म के पुत्र थे, आहार दिया था, तो आगे आने वाली जिंदगी में वो जाति स्मरण होते ही प्रथम तीर्थंकर को आहार दान देने का मौका मिला था। यदि आदिनाथ भगवान आज आ जाए निर्माण विहार में, तो कौन सा सौभाग्यशाली होगा जो आहार दान कर सके? एक भी तो नहीं है, क्योंकि श्रीमती के पर्याय में आप रहे नहीं, संस्कार गिरे नहीं, तो आप तो एक कहेंगे भाई 21,000 ले लो, 1,00,000 ले लो, 2,00,000 ले लो, आगे वाली पंक्ति में स्थान। लेकिन वो तीर्थंकर कहते नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो स्वयं राजा थे, महाराजा थे, नवदा भक्ति पूर्वक आहार। अभी आपको नवदा भक्ति के भी 9 नाम याद नहीं, भक्ति कैसे करेंगे? अब थोड़ा सा शरीर का आलस्य छोड़िए और थोड़ा अपने जीवन को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। जो आदमी जीवन को अच्छी बनाने की कोशिश करता है, वो निश्चय ही जैन चर्या में लगता है और जीवन को आगे बढ़ा लेता है। आज वो तिथि जिस दिन प्रथम तीर्थंकर का आहार दान हुआ था, राजा युवराज श्रेयांश ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की, तो वृषभ देव ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, और वह आज तक अक्षय रूप से पूरे देश और दुनिया में एक शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया आती है, साल भर यदि आप कम वक्त हैं, अब दूसरा अर्थ निकलना, साल भर यदि आप कम वक्त हैं, मतलब क्या मतलब? डांट रहा हूं जैसे मां डांटे, कम वक्त कहीं का, कम वक्त है आप, तो कम से कम साल में एक दिन उस कम वक्ति को दूर करके अच्छे इंसान बनके अपने जीवन को सफल कर लो। देखो इस जिंदगी में आपको धन वैभव कोठी फैक्ट्री सेवक सब कुछ मिल गए, और अगले ही पल यदि आंख बंद हो जाए तो क्या होगा?
क्या होगा? कोई भी सहारा नहीं रह जाएगा, बीवी बच्चे सेवक कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपने प्रमाद को छोड़कर एक पूजन आप कम कर लीजिए, लेकिन सच्चाई की राह पर चलना शुरू कीजिए। आज एक ऐसा भी यहाँ घर नहीं है जिसमें अभक्ष वस्तुओं का निष्कासन करके एक कोई प्रति आदमी आ जाए तो उसको भोजन करा सके, इतनी भी आपकी हैसियत नहीं है। फिर आप कहीं ना कहीं से वो चीजें डेवलप करा लेंगे, सर्व करा लेंगे, वो शुद्ध है अथवा अशुद्ध वो तो अपना व्यापार चलाएगा, लेकिन आप पाप के भागीदार और बनते चले जाएंगे। इसलिए अंत में ये कहना चाहता हूँ, जैसे श्रेयांश के लिए आहार दान देने से तीर्थंकरों को आहार दान देने का मौका मिला है, ऐसी आपकी जिंदगी में भी कोई मौका मिले। बात समझ में आ रही? अभी भी मील के पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, बात समझ में आ रही नहीं? नहीं आ रही। मेरा चातुर्मास जब पहली बार मुझे संग से जाने के लिए इजाजत दी गई ललितपुर में था, तो महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी आप चातुर्मास कह रहे, मैं देवगढ़ चला जाता हूं। कहते मालूम हो कौन रहते हैं, हम भी 2 महीने रह के आए सर्दी के अभी सीतियों, वहां सारे कार्यकारिणी के लोग कौन हैं? बाबू लोग हैं। बाबू समझते हो? हाथ पे हाथ बांधकर चलने वाले, एक भी कार्यकारिणी के देवगढ़ के लोगों ने कभी धोती दुपट्टा पहन के पड़गान कराया क्या? जब मेरा परगाहन नहीं कर सके तो तुम्हें कौन ध्यान देगा? मैं समझ गया, फिर कहां चला जाऊं? चातुर्मास में क्षेत्र पर ही करूंगा, मैंने कहा। फिर सोचते रहे कहां करना चाहो, मैंने कुंडलपुर चला जाता हूं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। फिर कुंडलपुर चातुर्मास किया, यहां पर भी बाबू साहब लोग दिखते हैं बहुत ज्यादा, है ना? एक दिन डेली आप सोचते, मैं तो तर गया, पार हो गया, दूसरे दिन की कोई जरूरत नहीं। देखिए निकाचित कर्म आप सुबह से लेके शाम तक बांधते रहते हैं। मैं अपने गुरु की बात को कभी जिंदगी भूल नहीं सकता कि जहां बाबू लोग हों, वो तो मंदिर बनाया है इसलिए मुझे थोड़ा सा लोभ संवरण नहीं होता, वरना मैं लौट करके नहीं आऊं, जिस मर्जी आदमी को ले आओ तुम। क्योंकि मैं आपके अनुसार चल नहीं सकता हूं, हम चलेंगे शास्त्रों के अनुसार। आपको जीवन में पुण्य अर्जन करना है तो पुण्य अर्जन का रास्ता स्वयं निकाला जाता है। जैसे देखो पैंट शर्ट पहने पूजन करने को अष्टद्रव्य की सामग्री से बैठे हैं, पैंट शर्ट पर अष्टद्रव्य की सामग्री करने की इजाजत नहीं है। आप इस सोते पैंट शर्ट में आहार लेने और लग जाएं तो मजे आ जाए, आहार कहीं से मंगा लें, रख लें टेबल पर और कंप्यूटर की तरह मनस्तुति बोल के चर्या करा दें। मैं बहुत ही स्नेह पूर्वक कहता हूं कि आप अपने जीवन को संवारे, थोड़े से दिन और हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर पशु पर्याय। आज 2 ही गतियां खुली हैं, पशु और कौन सी नीचे कौन सी गति है? पशु और नरक जो लगभग आ रहा है
पशु और नरक से आ रहा और पशु नरक की ओर ही जा रहा। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप, इस कलयुग में नरक जाना है और त्रिंच गति दो में ही आपका ट्रांसफर हो रहा। क्या कारण है? मायाचारी से पशु, ठीक है ना, तत्वार्थ सूत्र कहता है ये, मायाचारी करने से पशु गति मिलती है और आरंभ परिग्रह को बढ़ाने से फ्लाइट में अगर वजन बढ़ जाए तो क्या होगा? बैठने वाले बोलो, मैं तो कहीं बैठा नहीं, ना बैठना है। फ्लाइट क्या होगी? बैठ जाएगी। ऐसे ही आरंभ परिग्रह बढ़ाते चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? नीचे ही चले जाना है। नीचे जाना पसंद है? नहीं पसंद तो बिल्कुल नहीं है। वहां एक पल के लिए शांति नहीं। और पशु गति, अपनी गली में जो भौंकने वाले हैं कौन? डॉग होना पसंद है क्या? नहीं, हम तो भगवान होना चाहते हैं। भगवान जब बनना चाहते हैं तो अपने भाव को सुधारने के लिए श्रावक के जो छह कर्तव्य हैं उन्हें करते हुए सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना के क्षणों में भरत चक्रवर्ती भी छह कंड का अधिपति होकर सुबह से मुनिराजों को पड़गाहन के लिए हाथ में कलस लेकर के खड़ा हो जाता था। और आज तो सबकी ही कमर दुखने लग गई है ना, वो प्रभु को नमस्कार नहीं कर पाते। चलो हम जैसे आदमी की कमर थोड़ी बहुत स्पाइन खराब हो, आपकी थोड़ी खराब है, लेकिन आप न प्रभु को झुक के प्रणाम कर पाते हैं, न परमात्मा के चरणों का अभिषेक कर पा रहे हैं। समय के रहते जाग जाइए, मैं ब्राह्म लेता हूं। और अब अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सा बदलने का अभ्यास कर लीजिए। शांति सागर महाराज जी की बात याद आती है, किसी व्यक्ति के घर पर आहार को जाना जो 12 महीना साधु की सेवा करता हो, ये नहीं कि आप गाड़ी उठाई और गुरुवर के आप पहुंच गए, चौका नौकर ने लगाया, लाला पड़गाने कदस ले लिए। नहीं, वो कहता जो श्रावक 12 महीने से सर्दी में, गर्मी में, बरसात में साधु की चर्या कराते हैं, उनके यहां पहले उनको प्रोत्साहित करना है। फिर आप कहेंगे वाह, मैं तो मंदिर बनने के लिए 5 करोड़ दे रहा हूं, अब तो मेरा नंबर लगना ही चाहिए। करोड़ से काम नहीं होगा, भक्ति से काम होगा, श्रद्धा से काम होगा, अलौभ से काम होगा, शौच से काम होगा। इसलिए बहनों भाइयों, अपने गर्व को थोड़ा कम करके धर्म को समझो, नहीं तो एक दिन सबको जाना है। अक्षय तृतीया के दिन श्री हंस राजा ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, इस पंक्ति को याद करके चलिए, जीवन शायद आपका सार्थक हो जाए। जय बोलिए प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की।